ये कहानी ऐसी दो लड़कियों की है जो फंस जाती हैं किसी जंगल में और जब हेल्प के लिए गलती से चली जाती हैं एक ऐसे डॉक्टर के घर जहां पर उनके साथ कई सारे गलत काम होते हैं। तो चलिए सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हेटर नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठे हुए किसी पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर पर तीन डॉग को एक के एक पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद कार के पीछे एक ट्रक आकर रुक जाता है और ट्रक का ड्राइवर हल्का होने के लिए झाड़ियों के पीछे चला जाता है। पर तभी डॉक्टर हेक्टर अपनी कार से बंदूक निकाल लेता है और उस ड्राइवर को शूट करके वहीं पर बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेनी और लिंडसे नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है। ये दोनों घूमने के लिए न्यूयॉर्क से जर्मनी आई हुई होती हैं और इन्हें जर्मनी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए यह दोनों ज्यादातर ट्रैवलिंग किया करती थीं। यह दोनों आज किसी पार्टी के लिए बाहर जा रही होती हैं, इसलिए वह अपनी कार से पार्टी के लिए चली जाती हैं। पर इन दोनों को वहां के रास्ते अच्छी तरह से नहीं मालूम होते, इसलिए यह दोनों एक जंगल से होते हुए काफी दूर चली जाती हैं। और जैसे इन्हें पता चलता है कि यह दोनों रास्ता भटक गई हैं, तभी इनके कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से यह दोनों काफी ज्यादा डरने लगती हैं, क्योंकि वह किसी जंगल पर थीं। वह जगह काफी सुनसान थी। इसके बाद यह दोनों मैकेनिक को कॉल करने के बारे में सोचती हैं, लेकिन तभी वह देखती हैं कि उनके फोन पर एक भी नेटवर्क नहीं है। अब दोनों इस जंगल में काफी बुरी तरह से फंस जाती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए यह दोनों फैसला करती हैं कि वह कार से बाहर नहीं जाएंगी और वहीं पर कुछ देर इंतजार करेंगी। इसके बाद कुछ देर बाद वहां पर एक कार आती है और उस कार के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है। यह दोनों उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वह आदमी इन दोनों को अकेला देखकर काफी अजीब तरह से देखने लगता है, जिसकी वजह से यह दोनों अपनी कार का दरवाजा लॉक कर देती हैं। वह आदमी अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद यह दोनों अपनी कार से बाहर आ जाती हैं और वहां पर किसी के घर को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। यह दोनों जंगल के रास्ते काफी दूर तक आ जाती हैं, जहां पर इन्हें किसी घर से लाइट की रोशनी दिखाई देने लगती है, जिस वजह से यह दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, इसी वजह से ये दोनों भागते हुए घर के दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं। दरवाजा नॉक करने पर घर से एक आदमी बाहर निकलता है और यह आदमी डॉक्टर हेटर होता है। यह दोनों हेटर से अपनी कार के पंचर होने की बात बताती हैं और उससे मैकेनिक को कॉल करने के लिए कहती हैं। हेटर उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगता है, उन्हें घर के अंदर ले जाता है। हेटर उन लोगों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। तभी वह बताती है कि हम दोनों न्यूयॉर्क से हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। जिसके बाद जेनी हेटर से मैकेनिक को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन हेटर मैकेनिक को कॉल नहीं करता बल्कि उन्हें दिखाने के लिए कॉल पर नाटक करता है। अब इन दोनों को लग रहा था कि शायद इनकी हेल्प हो सकती है, लेकिन तभी हेटर को देखते हैं जो पानी में ड्रग्स मिलाकर इन्हें पीने के लिए देता है। लिंड से पानी को पी लेती है, लेकिन जेमी का ग्लास गलती से नीचे गिर जाता है। हेटर उसे देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पानी को साफ करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेटर बेहोशी का इंजेक्शन अपने साथ ले आता है। इधर लिंडसे को काफी अजीब लग रहा होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि उस पर ड्रग्स का असर शुरू हो गया है। जेमी लिंडसे की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और हेटर को फिर से कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन हेटर इस बार किसी को कॉल नहीं करता। फिर जेमी को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। देखते ही देखते जेमी मौके पर ही बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे कमरे पर होती हैं। इनके हाथ पैर बेड से बांध दिए गए होते हैं और इनके साथ ही एक दूसरा आदमी भी बंधा होता है। यह आदमी वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे मूवी की शुरुआत में हेटर ने गन से बेहोश किया था। फिर हम देखते हैं कि हेटर ड्राइवर के पास आता है और उसे इंजेक्शन लगाते हुए कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम अब आ चुका है, और उस पर जहर का इंजेक्शन लगा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हेटर उसकी बॉडी को गार्डन में दफना कर आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेटर एक और आदमी को बेहोश करके लाया हुआ था, जिन्हें जेमी और लिंडसे के साथ उसी कमरे में बांध रखा था। हेटर उन्हें बताता है कि वह एक रिटायर्ड सर्जन है और अब वह उन लोगों को एक साथ ही जोड़ने वाला है, जिससे वो सबसे पहले एक इंसान के बैक साइड से दूसरे इंसान के मुंह को जोड़ देगा और इस तरह तीसरे इंसान को भी उनके साथ जोड़ देगा, जिससे पहले एक इंसान खाना खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के पेट से होता हुआ तीसरे में चला जाएगा। ये सब सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ काफी खतरनाक और गंदा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इसके बाद हेटर उन तीनों में से उस आदमी को सेलेक्ट कर लेता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है और फिर जेमी को भी इंजेक्शन लगाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी लिंडसे कैसे भी करके अपने पैरों से रस्सी खोल लेती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए वह एक रूम के अंदर जाती है, लेकिन हेटर को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह रूम के दरवाजे को तोड़ देता है। जिसके बाद लिंडसे हेटर को देखकर वहां से भागने लगती है और एक स्विमिंग पूल पर आ जाती है, लेकिन वहां भी हेटर आ जाता है। उसे अपनी गन से शूट करने लगता है, जिस वजह से लिंडसे पानी के अंदर दूसरे किनारे पर जाने लगती है और तभी अचानक घर की सभी लाइटें ऑफ होने लगती हैं, जिस वजह से लिंडसे स्विमिंग पूल से निकल जाती है और भागते हुए जेमी के पास जाती है। जेमी अभी भी बेहोश पड़ी होती है।
इसलिए वह उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगती है। जैसे ही वह बाहर आती है तभी हेटर उसे अपनी गन से शूट करके बेहोश कर देता है और उन्हें फिर से उसी रूम में लेकर चला जाता है और उनको एक साथ जोड़ने का ऑपरेशन शुरू कर देता है और दोनों लड़कियों को एक जबड़े को कट करके निकाल देता है और काफी टाइम के बाद उन तीनों को आपस में जोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वह तीनों अब आपस में एक के पीछे एक जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। हेटर उन्हें जबरदस्ती ही खड़ा रहने की कोशिश करने लगता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे लिंडसे और उसके पीछे जेमी होती है, जिसके बाद हेटर उन तीनों को मिरर दिखाने लगता है, जिससे यह लोग अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं और फिर इन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है, जिसके बाद हेटर इन तीनों के साथ काफी बुरी तरह से पेश आता है और इन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है। लेकिन तभी एक दिन वह आदमी हेटर के पैर पर काट लेता है, जिस वजह से हेटर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने अगली बार ऐसी किसी भी प्रकार की हरकत की तो वो उसे जान से मार देगा। अगले दिन फिर वह उन तीनों को बाहर ग्राउंड पर लेकर जाता है और उन्हें जानवरों जैसा ट्रीट करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी को काफी तेजी से वॉशरूम लगने लगता है, इसलिए वह अपने वेस्ट को निकालने लगता है, जिसके बाद उसका वेस्ट लिंडसे के मुंह में आ जाता है और उससे ना चाहते हुए भी उसे अपने अंदर लेना पड़ता है। अगले दिन हेटर उन तीनों का चेकअप करने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वह आदमी अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसे का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है क्योंकि उस आदमी का वेस्ट लिंडसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं जेमी अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए हेटर उसके बदले किसी दूसरे पर्सन को सेट करने की सोचता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है, जहां पर वह देखता है कि वहां दो पुलिस अफसर आए हुए हैं और वह दोनों ऑफिसर जेमी और लिंडसे को वहां पर ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि उन दोनों की कार हेटर के घर से बस कुछ दूरी पर ही थी। ऑफिसर हेटर से जेमी और लिंडसे के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेटर बताता है कि वह एक डॉक्टर है और काम में बिजी होने की वजह से वह बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए उसे किसी की जानकारी नहीं मिली है। हेटर उन दोनों को पानी के लिए पूछता है और जब वह पानी लेने के लिए जाता है तो वह गिलास में ड्रग्स डाल देता है और उनके पास आकर उन्हें पानी दे देता है। उन दोनों ऑफिसर में से एक ऑफिसर पानी को पी लेते हैं, लेकिन एक ऑफिसर पानी पीने से मना कर देता है और इसलिए हेटर उसे जबरदस्ती पानी पीने के लिए कहता है, पर वो ऑफिसर पानी नहीं पीता और ग्लास को नीचे गिरा देता है। हेटर पानी साफ करने के लिए टावल लेने के लिए जाता और अपने साथ बेहोशी का इंजेक्शन ले लेता है और जब वो पानी को साफ कर रहा होता है तभी उस ऑफिसर को वह इंजेक्शन दिखाई पड़ जाता है, लेकिन हेटर उसे बहाना करते हुए कहता है कि वह खुद ही इंजेक्शन लगाया करता है और यह सब सुनकर ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हेटर लैब में जाता है और वहां देखता है कि तीनों वहां पर नहीं है। वो जैसे ही कमरे के बाहर जाता है तभी वह आदमी हेटर पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेटर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे वह आदमी उसके गले पर काफी जोर से काट लेता है और वहां से जाने लगता है। उसके बाद यह तीनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और कैसे भी करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अब उनके जख्म से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और जब यह तीनों ऊपर आ जाते हैं और इस दरवाजे के पास आ जाते हैं जिसका कांच टूटा हुआ होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हेटर ने कांच को रिपेयर कर दिया है। वहीं हम दूसरी तरफ हेटर को देखते हैं जो अब कैसे भी करके उनके पास जाने लगता है। इधर वह आदमी कांच को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर हेटर आ जाता है, इसलिए वह कांच से अपने गले को काट लेता है, इसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों ऑफिसर फिर से वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वह चेक करते हुए नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में से एक ऑफिसर को ड्रग का नशा चढ़ने लगता है, लेकिन वह दूसरा ऑफिसर ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में जाता है और वहां पर तीनों ह्यूमन सेंटीपेड मिल जाते हैं और वह ऑफिसर उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर आकर देखता है तो वहां पर उसके दूसरे साथी को हेटर ने मार दिया होता है, पर हेटर उस ऑफिसर पर शूट कर देता है, जिस वजह से वो ऑफिसर वहीं पर गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो हेटर को अपनी गन से शूट कर देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेमी अब मर चुकी होती है, लेकिन लिंडसे अभी भी जिंदा होती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और हॉलीवुड क्लाइमेक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।